तो भाई से बाइक मैंने गोंदिया से बुलवाया था, ट्रांसपोर्ट से इसकी हालत देखो। अब सामने का वाइपर टूटा है, नंबर प्लेट ग्रिल टूटी है, ये साइड फेयरिंग टूटी है, अपर फेयरिंग, और ये देखो बैक फेयरिंग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत दिन बाद वेलकम आप सबका फिर से डेविल ऑन रोड 7 में। तो ये रही अपनी जीनो और अपनी R15 7 आ रही थी, गोंदिया से वो निकल गई है गाइस और इंदौर पहुंच चुकी है। 6 तारीख को अपन ने किया ट्रांसपोर्ट गोंदिया से एंड यहाँ पे रिसीव हो रही 9 तारीख को। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन, पिक करते हैं उसको एंड पैकेजिंग देखते हैं कैसी हुई थी, उसके बाद में दिखाते हैं आपको उसको लेकर आते हैं फ्लाइट। चलिए सी यू, बाय बाय। सो गाइस फाइनली आ गए रेलवे स्टेशन इंदौर के और चलना है अपने को कार्गो के लिए। चलिए देखते हैं चल के अंदर कि बाइक की कैसी कंडीशन है, क्या है। सो गाइस फाइनली देखो सामने क्या है। तो ये रही फुल पैक, चलो दिखाते हैं आपको किस टाइप से पैक होके आई है। ओ भाई ये तो गया डैमेज पीछे का एरिया, यार इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं जमता, चला के लाने बेटर होता है। तो चलो अनरैप करवा लेते हैं इसको पूरी। हटो वाइसर, यार गाइस देखो पूरा वाइसर गायब, टोटल लॉस। ई वो उसके साथ में आई होगी। उठा हुआ तो ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए, ये और एक्सपेंसिव जाएगा। फिर गाड़ी गिरी है कहीं पे गंदे तरीके से, क्यों चाचा? नहीं गिरी नहीं। नहीं नहीं, ये देखो ना ये टेढ़ी हो गई है, ये ग्रिल लोहे की है पूरी, ये टेढ़ी कैसे होगी? गिरती तो ये टूट जाता ना, लोहे की ग्रिल टेढ़ी है, फिर ये कैसे टेढ़ी होगी? वो तो बता आपको, ये मुंह के बल गिरेगी तो वो तो पूरा ये दोनों ले जाएगी। नहीं ये कैसे गया ये बोल रहा हूँ मैं, या तो कोई सामान गिर गया उसके चलते ट्रेन में, ये होगा मैंने पूरा टेढ़ा हो गया, ये भी गया, ये तो 1500 के ऊपर का आएगा। सामने का तो गया भाई सर, नंबर प्लेट ठीक, ये पीछे की पैनल गई, बैक पैनल डैमेज, सामने का वाइसर, नंबर प्लेट ग्रिल। ओ भाई रुक जाओ, पूरी डैमेज आई इधर से, तो पूरी फायरिंग बाहर आ गई है। ये इंडिकेटर भी गया, हटो। सामने का वाइसर, नंबर प्लेट ग्रिल, फ्रंट फेयरिंग, साइड फेयरिंग,
ये टैंक अलग, सरकारी में रहता ना, ये अलग बोलता था कि नहीं देंगे। ये अलग।